हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम दोबारा खेलने वाले हैं पहल वर्ल्ड। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा, आप चाहे तो चेकआउट करके देख सकते हो, तो मैं आई बटन पर लगा दूंगा। चलो बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नया है प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने बेस में, भाई जहाँ पर हम पिछले एपिसोड में गए थे ना। बहुत खतरनाक इलाका है भाई, वो बहुत खतरनाक इलाका है। जितने भी अपने पैर से लेकर था सारे पिट गए थे। और यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत लेवल भी इंक्रीज हो चुका है। लेवल 15 पता नहीं कब होएगा यार। हमारा जो नाइट विंग का सेट पता नहीं कब बनेगा यार, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कब से। चलो थोड़ा बहुत और ग्राइंडिंग करेंगे, थोड़े लेवल अप करना चाहेंगे हम। यहाँ पर कुछ नई चीज़ें अनलॉक हुई हैं, इसको जल्दी से खोल लेते हैं। क्रॉस वो भी हमको मिल चुकी है, क्रॉस वो भी बनाएंगे। यहाँ पर हम दोबारा वही एरिया में आ चुके हैं, जल्दी से आ चुके हैं यार। यहाँ पर बहुत खतरनाक खतरनाक पेल्स पे रहते हैं, तो हमको बच के रहना पड़ेगा। और मोबाइल पे खेलना बहुत मतलब मुश्किल है यार पीसी कंपैरिजन में। और भी देखो अभी आया था और इन्होंने मेरे पे अटैक भी शुरू कर दिया। चलो यार बस ये ना मजे, ये हमारा सबसे खतरनाक पोकेमोन में से एक है जिसे मैं राइडिंग करता हूँ। बाकी मैं तो नाइट विंग को भेज दूँगा, जिसकी हेल्थ कम होगी तो उस समय शायद मैं लुक जाता हूँ यार कि हम मेरे पे हमला ना करें। और यहाँ पर जिनके पास बहुत खतरनाक वेपन्स हैं, पूरा बिजली से पैरलाइज कर देते हैं ये। उनका लेवल ही 20 है, इतना लेवल तो मेरा नहीं है जिनका, इतना इनका लेवल है यार 20 लेवल के, मतलब ये है लोग हैं। और ये बेफालतू पता नहीं क्यों हम पे हमला करते रहते हैं यार। चलो एक को तो ख़त्म कर दिया हमारे पोकेमोन ने, यहाँ पर एक और है यार। और यहाँ पर बस इनके पैल्स भी आने वाले हैं जो बेफालतू के तंग करेंगे। चलो यार इनसे हम पंगे ले रहे तो ये हमको मारेंगे नहीं। और यहाँ पर हमको नॉर्मल एग मिल चुका है और हमारा पोकेमोन की हेल्थ तो कम हो चुकी है। और सामने रोबिन क्विल, भाई उससे फाइट मत ले, बहुत खतरनाक पोकेमोन है। नाइट विंग तुम जाओ भाई, रोबिन क्विल कैच हो गया ना, मजे ही मजे हो जाएंगे, मजा नहीं कर रहा। चलो यहाँ पर हम थर्ड पार्टी कर चुके हैं और इसने हम पे अटैक किया था, बच के हम। और हमारा नाइट विंग खत्म हो गया भाई एक अटैक में इसके। और यहाँ पर इसने हमारे शील्ड भी तोड़ दिया भाई। और यहाँ पर हमारा एक और पोकेमोन आ चुका है जो इसको डैमेज दे रहा है। चलिए यार कैच करने की कोशिश करेंगे इस पेपर, बिल्कुल ना के बराबर परसेंटेज आ रहे हैं इसको कैच करने के लिए। और इसने हम पे बहुत खतरनाक अटैक किया भाई, एक अटैक से 2 डैमेज पर है भाई, तो बहुत खतरनाक है यार। चलो यहाँ दोबारा आते हैं हम, पर उससे पहले ना हम यहाँ पर कुछ नए इलाके मतलब एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम स्पॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मज़े ही मज़े आएंगे जब यहाँ पर कोई अच्छे हमको पोकेमोन मिल गए। और यहाँ पर जल्दी से है चलो। और यहाँ पर मैंने अपनी जो वो सेटिंग से ना चेंज कर दिया है, पहले मेरी ना उस पर थी नॉर्मल पे थी, तो मैंने कैजुअल पे कर दिया। कैजुअल मतलब जो डिफ़िकल्टीज होती हैं, ठीक है ना, तो मैंने कैजुअल कर दिया। तो मेरे को मतलब ठीक ठीक नॉर्मल नॉर्मल मतलब होएगा, पर नॉर्मल पे इतनी गंदी कुटाई हो रही है, कुछ सोचो यार वहाँ पर कितने खतरनाक पोकेमोन है। चलो यार यहाँ पर हमने यहाँ पर न्यू मतलब वो अनलॉक कर लिया फास्ट ट्रैवल, और यहाँ पर हम घर आ चुके हैं। और जितने भी हमारे पोकेमोन कुटाई हुई थी जल्दी से उनको रिवाइव करने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर हम दोबारा वही इलाके में आ चुके हैं भाई। आते थे यहाँ पर इन्होंने पोकेमोन ने पे हमला कर दिया था, ये वाला पोकेमोन की मैंने बहुत कम हेल्थ कर दिया है भाई, इसको कैच करने की कोशिश करूँगा। यार पेल्स किधर है मेरे पेल्स पियर यार, यार यही तो दिक्कत होती है यार। देखो यार वही नहीं बन रहा, पहुँच गया भाई। अब यार एंगल बना के इसको कैच कर सकता हूँ, यहाँ पर 2-2 हैं यार। तो मेरा जो पोकेमोन है इन दोनों को डैमेज दे रहा है भाई यार, परसेंटेज ही ना के बराबर है यार, कैच नहीं कर पाऊँगा। वैसे बहुत खतरनाक पोकेमोन है देखा जाए तो। और यहाँ पर मेरे पोकेमोन की हेल्थ कम होगी, तो मेरे को वापस बुलाना चाहिए तो जितना मैं भाग जाता हूँ, ताकि वो मेरे को लब ना पाए। और यार उसको बुला लेना चाहिए सर, वो मर चुका है। तो कोई ना, यहाँ पर हम अपने दूसरे पोकेमोन को भेजते हैं। चल यार इस पर जल्दी सफारी करके भागते हैं भाई। भाई डैमेज मत दे यार, मेरे को भागना पड़ेगा यार, नहीं तो हाँ ये डैमेज पर डैमेज दे ही जाएगा। और ये पोकेमोन भी इसकी हेल्थ कम हो चुकी है बहुत। और यहाँ पर पता नहीं हमको क्या मिल चुका है, कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जल्दी फास्ट ट्रैवल यूज़ करते हैं और यहाँ पर घर की ओर पहुँचते हैं भाई। यहाँ पर आना बहुत खतरनाक हुआ है यार, मजाक नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर बहुत सारी खतरा है और बहुत सारे खतरनाक पोकेमोन है भाई, जब भी आता हूँ पिट के जाता हूँ यार, ये चीज़ मैंने देखी है। सो यहाँ पर हम बाहर आ चुके हैं, हम जल्दी से अपने घर की ओर जाते हैं। और यहाँ पर मेरे को घूमते फिरते रात हो चुकी है, और यहाँ पर मैं पता नहीं अच्छी जगह पर आ चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ हमको ना अपने बेस बेस अपग्रेड करना था, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ही हम अपना बेस अपग्रेड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जल्दी से अपना वो लगा देता हूँ, जो भी ये मोनिटर होता है जिसमें हम अपने पैल्स रख सकते हैं, जिसको टेलीपोर्ट भी हो जाता है, नाम भूल गया मैं इसका। और मैंने मतलब देखा है कि हम ना इसको बहुत सारे बना सकते हैं, मतलब 2-3 तो बन जाते हैं ये, जो भी नाम है नाम भूल गया हूँ मैं, जो भी टेलीपोर्टर एरिया वाला है ये, अभी क्या नाम है इसका, पैल बॉक्स, इसको हमें 2 या 3 बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो मेरे वोले बेस में रहेगा और एक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। और यहाँ पर हाँ भाई हमारा लेवल नहीं है तो हम इसको बना नहीं सकते, हमारा लेवल कम है क्या यार।
और यहाँ पर हम अपने बेस पे वापस आ चुके थे। और आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, मैंने कुछ नई चीज़ें बनाई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा आर्मर पूरा ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा आर्मर अपडेट किया है। देख सकते हो यार, बहुत खतरनाक आर्मर हम पे आ चुका है। इसकी मतलब जो हेल्थ है ज़्यादा होगी, और यहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं, हमारी हेल्थ बहुत कम रहेगी थी। हम बहुत समय से मतलब भाग रहे थे, और जितने भी हमारे पोकेमोन थे सारे सब क्या मर चुके हैं, तो मैंने उनको रिवाइव करने रख दिया है। यहाँ पर हमारी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है यार, बहुत ओखा। मैं बेस वापस आया हूँ, और वहाँ पर मेरा पोकेमोन मर गया था यार, जिसपे मैं सफारी करके आता हूँ, जो डियर वाले पोकेमोन है। पर मेरे को नाइट विंग का शेड्यूल जल्दी से जल्दी बनाना पड़ेगा यार, बहुत दिक्कत आ रही है मेरे को। लेवल 15 पता नहीं कब होएगा मेरा। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे पोकेमोन रिवाइव हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं घूमता फिरता तो कुछ नई जगह पे आ चुका हूँ। यहाँ पर सामने भाई शाइनी लैम्प बेल है भाई, ये थोड़ा हाइट में भी बड़ी है और थोड़ा चमक रही है भाई, ये थोड़ी रेयर होती है, तो मैं इसको कैप्चर करने वाला हूँ। मेरे पोकेमोन बहुत ज़्यादा हेल्थ के हैं, तो बस इसको मारना देना यार। इसको मैं अपने आप ही डैमेज दे के कैच करके देखता हूँ लैम्प इसका। वैसे आ जाना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आगे 99। और फाइनली हमारे पास हमारा फर्स्ट शाइनी पोकेमोन आ चुका है भाई। और यहाँ पर हम थोड़ा घूम फिर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे को एक पैल स्पिन मिल चुकी है, थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। और सामने मेरे को एग मिल चुका है, जल्दी से एग को भी ले लेते हैं। नॉर्मल एग है, इससे कोई हमको नॉर्मल टाइप ओकन मिलेगा। ये मेरे को फर्स्ट टाइम मिला है नॉर्मल एग। मेरे को एक आइस जो एग है वो तो मिलता रहता है, और जो एक रॉक एग है वो भी मिलता रहता है, नॉर्मल एग मेरे को फर्स्ट टाइम मिला है। चल ठीक है, नई जगह आने का कुछ फ़ायदा हो चुका है। यहाँ पर इतने कोई नए पोकेमोन नहीं है, नॉर्मल पोकेमोन ही है देख सकते हो। यहाँ पर हम घूमते फिरते आगे की ओर आ चुके हैं। मेरे को यहाँ पर कुछ नए पोकेमोन मिले हैं, इनको कैप्चर करके देखते हैं कि जो लेवल अच्छा खासा है भाई। डायमंड किसको दिया था, बॉल किस पे फेंक किया भाई, यही तो डिसएडवांटेज है मोबाइल पे खेलने का भाई, एंगल ही नहीं बनता यार, निशाने सारे चूक जाते हैं भाई, क्या करें। ऐसे बहुत सारे हमारे जो बॉल स्पीयर्स हम वेस्ट हो जाती हैं, और हम मर जाते हैं यार, बच ही नहीं पाते ना। और थोड़ा इसमें ना डिले भी आता है कभी कभी, तो क्या करें यार भाई, ऐसे में वेस्ट कर ही जा रहा हूँ यार। डैमेज दे पहले इसको, डैमेज देते हैं। एक तो कंट्रोल्स में अभी तक नहीं सीखा इसके। चलो अच्छा अच्छा कैप्चरिंग रेट में भी कैप्चर हो जाए, भी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। चलो 99 पे आ चुका है। चलो यहाँ पर लगे हाथ हम एक और पोकेमोन पकड़ लेते हैं, भाई सेम सेम पोकेमोन। यहाँ पर ये दो थे ना, तो दोनों पकड़ लेते हैं भाई। डैमेज देता हूँ पहले मैं इसको यार, भाई यार डैमेज कैसे देते हैं यार। टैग दूसरा टैग करके देखता हूँ, हाँ इससे होएगा भाई। मैं वो आर बी डब्ल्यू जाता हूँ, एल बी डब्ल्यू ना था क्या यार, ऐसे बहुत सारे मैंने पोल स्पेयर में वेस्ट कर दी। चलो यार इसका बहुत डैमेज दे दिया, एक बार और डैमेज दे दिया तो मर जाएगा ये। एंकल बन जा, एंगल इन बनता है यार। चलो चलो कैप्चर हो जाएगा फाइनली, 100% कैप्चरिंग रेट आ रहा है, और फाइनली हमने कैप्चर कर लिया। चलो ये थोड़ा बहुत आगे घूम के आते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं नए इलाकों को। और यहाँ पर तुमको एक चीज़ और दिखाऊँ, हमको एक और शाइनिंग पोकेमोन मिल चुका है भाई, इसको मैंने बहुत डैमेज दिया है। मेरा पोकेमोन मार रहे हैं, बस मारना देना इसको यार, मुझे कैप्चर करना है इसको। अच्छा खासा कैप्चरिंग रेट आ चुका है, और यहाँ पर बस फाइनली हो गया कैप्चर। चलो यहाँ पर आज के एपिसोड में हमने दो शाइनी पोकेमोन पकड़े भाई, बिलीव नहीं हो रहा। वैसे शाइनी पोकेमोन बहुत रेयर होते हैं, पर मेरे को दो दो पोकेमोन मिल चुके हैं, नए इलाके में आने का फ़ायदा हो चुका है यार। चलो यहाँ पर हम आगे की ओर देखते हैं, क्या तो हमको एक और शाइनी पोकेमोन मिल जाए। भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई, एक और शाइनी पोकेमोन, इसकी हेल्थ बहुत कम है, तो मैं अपने बो से भी इसको डैमेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमने अपना थोड़ा कम लेवल वाला पोकेमोन भेज दिया है, देखो यार अच्छा खासा कैप्चरिंग रेट आ चुका है। बस कैप्चर हो जाने तो मेरे पोकेमोन इसको मार सकते हैं यार। चल भैया आराम से मारियो, एक डैमेज दी बस। चलो वापस वापस आ जा, चलो एक मिनट बुलाता हूँ इसको भी, कैप्चर हो जाएगी वैसे। यार पीछे से हमको एक और पोकेमोन डैमेज दे रहा है यार, तो मेरा जो पोकेमोन कभी उस पर डैमेज दे रहा है कभी इस पर। चलिए कैप्चर हो जाएगा, और फाइनली हमने इसको कैप्चर कर दिया भैया। आज के एपिसोड में हमने तीन शाइनी पोकेमोन पकड़े भाई, तीन। इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से। ऐसे मतलब किसी ने वीडियो नहीं बनाई एक एपिसोड में तीन शाइनी पोकेमोन, वाह यार मज़े ही मज़े। चलो यहाँ पर थोड़ा आगे की ओर घूम के आते हैं, क्या तुमको एक और मिल जाए। वैसे लालच बुरी बला है, पर तब भी। और यहाँ पर रात हो चुकी है यार, हमको जल्दी से घर जाना चाहिए। और सामने यार ये पोले पोकेमोन तुम्हारे पास है पर है, और सामने एक नेट पिंक, ये बॉस पोकेमोन है। हम इसको वैसे इजीली कैप्चर तो कर सकते हैं मे बी, क्योंकि हमारे पोकेमोन इसके आसपास लेवल के ही हैं, और ये एक है हमारे पास पाँच हैं, तो एडवांटेज तो है यार। तो लो यार इसको कैप्चर करके देखते हैं, इसी बहाने हमके पास एक और बॉस पोकेमोन आ जाएगा। और बॉस पोकेमोन हाइट में थोड़े बड़े होते हैं जैसे देखा जाए, तो आपको मैं कंपैरिजन भी दिखाऊंगा अपने नेटविंग और ये वाले नेटविंग का। एक मिनट भाई वापस आइयो, आपको दिखाता हूँ। नेटविंग बैठा है, और यार गलत पोकेमोन भेज दिया यार। चल कोई ना, इसको हम कमांड करते हैं अटैक ऑन, फोकस ऑन सेम एनिमी, इसको इसी पे भी डैमेज देना है। एक मिनट यार सर, एक बार इसको इशारा करता हूँ कि हमको इसको मारना है। चलो एक गोली मारते हैं, चलो भाई चलो यार। और यहाँ पर इसका न्यू अटैक जो मैंने इसको दिया था फ्रूट से, जो पहले फ्रूट नहीं मिलते मेरे को, वन पीस वाले यार, समझ जाओ यार, जिसने पिछली वीडियो देखी हो समझ चुका होगा।
भाई इसने एक ही डैमेज में हमारे पोकेमोन को हरा दिया भाई। इसको ना मार दे, इसको मैं वापस बुला लूँगा यार, जिसकी थोड़ी सी हेल्थ कम होगी, क्योंकि भाई मेरे को घर इसकी वजह से जाना है, नहीं तो उनको पैदल जाना पड़ेगा यार। चलो यार डैमेज दे रहा है भाई, इसने हमारे एक बार में एक पोकेमोन ख़त्म कर दिया जो कि बॉस पोकेमोन था। चलो यार ये वाला पोकेमोन डैमेज दे रहा है उसको, अच्छी खासी हेल्थ डैमेज दे रहा है भाई, बहुत कम टाइम पे इसने अच्छा डैमेज दे दिया। इसको वापस ना ऐसे बुला बुला के मारेंगे, टेक्नो गेमर स्टाइल से पेलेंगे इसको। चलो एक मिनट यार, थोड़ा रिफ्लेक्स मेरे फास्ट करने पड़ेंगे मेरे को यार, भाई मेरे को डैमेज मत दियो, मेरा आर्मर वैसे ही चार्ज नहीं है। चलो उसको डैमेज दे रहे हैं हम, और यहाँ पर हमने अपने ये वाले पोकेमोन को भेज दिया है। वैसे हमको डिसएडवांटेज है क्योंकि वो फ्लैंक टाइप है और हमारा ये जो है ग्रास टाइप है। बाकी कोई ना देख लेते हैं, बवंडर आ गया है और आधी ज़्यादा हेल्थ खत्म हो चुकी है उसकी। यार ये कंट्रोल क्यों खुल जाते हैं, अब दिखाता हूँ नाइटविंग वर्सेज नाइटविंग, आपको हाइट कंपेरिजन पता लग जाएगा। यहाँ पर एक पोकेमोन नोट्स हो रहा है यार, एक मिनट यार सर आपके पास दिखाता हूँ दोनों का कंपेरिजन, आप देख सकते हो जो हमारे नेटविंग का छोटा है ये वाला, और ये नेटविंग बहुत बड़ा है जिसको हमको कैप्चर करना है। बॉल फेंक के देखते हैं यार, बॉल इन लगी भाई, इसको हम ऐसे कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि इसको ना वो लगा हुआ है, और यहाँ पर नेटविंग की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, इसको वापस बुला लेना चाहिए। चल भाई वापस आ जा, और हमने इसको भेज दिया भाई, ये सबसे ज़्यादा डैमेज दे रहा है यार, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डैमेज इसने दिया है। इसको कैप्चर करके देखते हैं यार, बहुत ना के बराबरी परसेंटेज आ रहे हैं यार। चल कोई ना, इसकी आधी हेल्थ तो हमने कम कर ही दिया है, मे बी हम इसको कैप्चर भी कर लें। यहाँ पर इनकी फाइट चल रही है, खत्मा कर ली। चलो भाई इसी को भेज के देखते हैं यार, भाई कंट्रोल्स क्यों खुल जाते हैं हमारे पर यार, जितना वो उसकी भी थोड़ी हेल्थ रिकवर हो जाएगी भाई। डैमेज है इसको, डैमेज है। चलो बेबी हम इसको जल्दी से हरा दें यार, यहाँ पर इसको मार रहा है भाई, ये नौटंकी बहुत मारता है पोकेमोन यार, मर जाएगा भाई। चलो वापिस आ, एक मिनट यार नेटविंग को ही भेजते हैं यार भाई, जल्दी जल्दी जो भी आ जाए यार, चल इसी को भेज देते हैं यार, पैदल चल जाएंगे, पर मेरे को नेटविंग चाहिए बोला। एक मिनट यार इसी, जल्दी है जल्दी यार, नेटविंग तू तू ही जल्दी आ रहा, नेटविंग और नेटविंग कराते हैं। एक मिनट यार, दोनों दूसरे को डैमेज दे रहे हैं, और नेटविंग ख़त्म हो गया भाई हमारा भी नेटविंग। ये कंट्रोल्स ही खुल जाते हैं, मेरे को ये कंट्रोल्स ना मारेंगे एक दिन मेरे को लग रहा है। एक मिनट जल्दी जल्दी तू आ भाई बार, जल्दी डैमेज दे उसको, किधर है नेटविंग। चलो मेरे ऊपर ही था यार, दोनों की फाइट चल रही है, हमारी हेल्थ ही बहुत कम हो चुकी है। इसको बॉल कैप्चर करके देखते हैं यार, मे भी आ जाए। ओए ख़त्म कर दिया यार इसने यार, बॉल फेंक रहा था। चल कोई ना यार, अगली बार आके इसको जरूर हराएंगे, हमको इतना तो हो गया कि हमारे पोकेमोन को हरा सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है और थोड़ा हमारे ट्रेनिंग की जरूरत है। चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे हम यहीं पर। और यहाँ पर हम अपना थोड़ा जो बेस है अपग्रेड कर रहे हैं, देख सकते हो स्विमिंग पूल बना दिया यार पोकेमोन के लिए, बेचारे थक जाते हैं तो नहा लिया करेंगे। और यहाँ पर ना हमको एग मिला था तो मैंने यहाँ पर एग रख दिया है, और यहाँ पर बहुत जल्दी जो एग हैच होने वाला है, तो थोड़ा इंतज़ार करके देख लेते हैं उनको कौन सा पोकेमोन मिलने वाला है। जितना थोड़ा बहुत सामान डालते हैं अपने बेस के लिए, यहाँ पर मैं पर्ल्स की वो बना रहा हूँ ताकि मैं खुद की पर्ल्स फिर बना सकूँ। और यहाँ पर जो है एग हमारा हैच हो चुका है, और यहाँ पर हमको फ्लैंक टाइप पोकेमोन मिल चुके हैं भाई, ये बहुत खतरनाक पोकेमोन है भाई, जहाँ पर हम जाते हैं हमको यही आगे पेलता था हमेशा। चल कोई ना, हमारे पास भी पोकेमोन आ चुका है, पर हमें कोई इसका लेवल थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी अनलॉक हो चुकी हैं, हमारा लेवल 14 हो चुका है ना, बस लेवल 15 करना है ताकि हमको सैडल मिल चुके नेटविंग के लिए और हम उड़ के जा सकें। चलो यार कोई ना, मैं सोच रहा हूँ आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।